अल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द किंग्स मैन नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे आज हम बात करेंगे पाक स्टडीज़ की आउटलाइन के बारे में और मैथ्स की आउटलाइन के बारे में इसके स्मार्ट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और किन चीज़ों को हम करके हम अपनी स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं तो बात करते हैं पाकिस्तान सबसे से पहले पाकिस्तान पाकिस्तान का एरिया पाकिस्तान से मुतलिक जो भी कुछ है वो आप लोगों ने जितना भी मटेरियल मिलता है वो लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा पाकिस्तान का एरिया कितना है पाकिस्तान का पहले एरिया कुछ और था अब बढ़ा है पहले सात लाख छियानवे हज़ार छियानवे किलोमीटर स्क्वायर था और अब आठ लाख और इक्यासी हज़ार समथिंग कुछ है ऐसा कुछ है ठीक है वो आप लोग लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज ये चेंज हुआ है अक्सर वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो कि चेंज हुई होती हैं ठीक है बॉर्डर्स की लेंथ कितनी है ठीक है और किन किन के साथ बॉर्डर्स मिलती हैं और उनके नाम क्या हैं पाकिस्तान का महल वकूक कितना है मतलब उसका क्या है महल वकूव कितना नॉर्थ है कितना डिग्री ए, साउथ में है पाकिस्तान की इकसठ डिग्री से सत्तर डे तोल बल्ड के दौरान फैला हुआ है इस तरह ये महल वकूह आप लोगों ने प्रिपेयर करना है ठीक है मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट के नेम और किस प्रोविंस में हैं वो प्रिपेयर करने अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक मुश्किल पेश आती है चूँकि पेपर सी से जो लास्ट पेपर था जो पंजाब पुलिस और वार्डन के लिए उन्होंने बनाया है वो इंग्लिश में था सारा पेपर तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई है तो होपफुली जो नेक्स्ट पेपर है वो भी इंग्लिश में ही होगा बिकॉज अब आप लोगों को पता है न्यू जनरेशन आ रही है तालीम का निज़ाम इतना फास्ट हो चुका है कि क्राइटेरिया चेंज होता रहता है ठीक है तो ये डेफिनेट बात है कि जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी इंग्लिश में होगा तो इस्लामियात और पाक स्टडी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने इंग्लिश में लाजमी प्रिपेयर करने है उनके मीनिंग्स लाजमी देखने हैं जिनको आपको लगता है यार ये टफ़ है ये नहीं होंगे ये मुश्किल इसका मीनिंग नहीं पता लास्ट टाइम वज़ू की इंग्लिश है। वो स्टूडेंट्स को नहीं पता चली कि पेपर बाजूक बच्चे को क्वेश्चन जवाब आ रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि इसको उर्दू में वो क्या बोलते हैं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि पेपर इंग्लिश में ही आएगा तो अपनी इंग्लिश के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा ठीक है तो बात करते हैं हम सिटीज़ की मशहूर चीज़ें क्या हैं जिस तरह लाहौर है लाहौर कॉलेजों का शहर है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद है स्विट्ज़रलैंड ऑफ़ पाकिस्तान सवात है और डिफरेंट ऐसी जो चेंज सिटीज़ हैं वो किस एतबार से पाकिस्तान के जो शहर हैं किस एतबार से मशहूर हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा फिर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के हवाले से कि जो दुनिया के अतबार से कौन सा शहर है आबादी के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा आबादी रखता है वो शहर टोक्यो है जिस तरह जापान का आबादी के किस मुल्क का रकबा सबसे ज़्यादा है आबादी किसकी ज़्यादा है ठीक है ये आप लोगों ने प्रिपेयर कीजिएगा पाकिस्तान के फेमस बाग कौन से हैं पार्क कौन सी हैं कहाँ पर वाक्य है किस सिटी किस प्रोविंस में है इन चीज़ों को प्रिपेयर कीजिएगा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया ठीक है कब तजवीज़ किया चौधरी रहमत अली कहाँ पढ़ते थे जब उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ते थे जब उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया कायद अजम की डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ और इसी तरह मोहम्मद इकबाल की ठीक है और उनके दीगर खुतबा अलाहाबाद कब दिया कायद अजम ने कांग्रेस कब ज्वाइन की ठीक है और जो मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की कब छोड़ी ठीक है तो ये चीज़ें जो मेजर मेजर चीज़ें वो आप लोगों ने तैयार करनी है पाकिस्तान की कौमी ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है ठीक है और पाकिस्तान ने कब कौमी खेल पाकिस्तान का कौन सा है कब जीता है किसने जीता है किससे जीता है कहाँ पर हुआ था ये चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है पाकिस्तान की कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेसेस वो प्रिपेयर कीजिएगा हमारे पाकिस्तान की हाइट क्या है अक्सर पूछ ली जाती है फीट में पूछ ली जाती है मीटर्स में पूछ ली जाती है तो दोनों में प्रिपेयर कीजिएगा पार्टीशन ऑफ़ बंगाल है इसी तरह नेशनल एंडम है कब हुए थी पार्टीशन ऑफ बंगाल नेशनल एंडम कब लिखा कितने स्टैंडसाज थे किसने तजवीज़ किया किसने लिखा आ, पाकिस्तान का झंडे में चाँद किसको रिप्रेजेंट करता है वो सितारा के वो सॉरी स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है किसने पाकिस्तान का झंडा बनाया था तो ये चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है सी पैक के हवाले से सवाल आ सकते हैं कि सी पैक के कितनी लागत है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ठीक है और दूसरी एब्रिवेशन प्रिपेयर करनी सी पैक की एब्रीवेशन आ सकती है बात कर लेते हैं मैथ्स के हवाले से मैथ में चूँकि लास्ट टाइम काफ़ी पोर्शन आया था कुछ पोर्शन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिस तरह साइन टैन काज और इनके जो फार्मूलाज हैं साइन ओवर कॉज क्या होता है काज ओवर साइन क्या होता है और कॉट के कॉसिकंड के ये फार्मूलाज आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने ये किसी बच्चे के जहन में नहीं थे कि ये पेपर्स यहाँ से भी वो पेपर्स दे सकते हैं कि साइन काज टैन बिकॉज आप लोगों ने देखा यूजअली जो पेपर होता है वो आर्ट्स की बुक से मैथ की आर्ट्स की जो मैथ की बुक होती है उनसे पेपर दिया जाता है मैथ के हवाले से बट यहाँ पर कुछ चीज़ उन्होंने साइंस की चीज़ों भी एक कवरअप की हैं डी रूल आप लोगों ने कहना डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन इसमें जो फार्मूला है ये अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्स का जो क्वेश्चन आते हैं कि इसको आप एक डिवीन करें मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है लास्ट टाइम दो तीन सवाल आए थे ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कीजिएगा ठीक है इस सवाल से दो तीन सवाल लास्ट टाइम भी आए थे तो प्रोबेबिलिटी के दोबारा भी आ सके आ जाए परसेंटेज के सवाल है इतनी परसेंटेज पे कितनी परसेंटेज होगी तनासब के हवाले से सवाल हो सकते हैं ठीक है पाई की वैल्यू क्या है पाई बाय टू पाई बाय थ्री किसके इक्वल है किसके इक्वल होते हैं और दूसरे जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने स्पीड के और दूसरे सवाल ये आप लोगों ने लाभ में प्रिपेयर करने है ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस मैंने आप बताया है पाक स्टडीज़ और मैथ का ठीक है फर्दर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा जिसमें डिटेल्स के आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों ने ये पेपर्स कैसे प्रिपेयर करना है ठीक है अब मैंने आपको तमाम जो इसमें जेनेरिक आउटलाइंस थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं बात कर लेते हैं उर्दू की भी उर्दू में ज़्यादातर जो शायर हैं उनके आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ और किस कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे वो प्रिपेयर करने और जो उर्दू का पैसेज है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर दिया है ठीक है और जो उर्दू का हम ऐसे है वो सेम इंग्लिश की तरह ही है उसमें भी आप लोगों को कोटेशन आयात अदीस का वो रेफरेंस लाजमी देकर वो आप लोगों ने कवरअप करनी है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें कवर कवरअप होगी होंगी फिर भी आप लोगों का को कोई भी अगर कोई सवाल है जो आप लोगों को समझ चीज़ नहीं आ रही तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं इन श होप फुली जल्दी रिप्लाई कर दिया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच गाइस अल्लाह ताला मेरा और आपका हमीर नासर हो आमीन